आज हम क्लास 12 हिंदी गद्य खंड अध्याय 3 अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 19 अगस्त को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव के एक प्रतिष्ठित सरयोपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनुमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमयी था। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष उस्फुरण कवि गुरु रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इस प्रकार इनका जन्म 19 अगस्त सन 1907 और मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी। जन्मस्थान दुबे का छपरा बलिया, माता का नाम ज्योतिषमयी, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और बचपन में इन्हें वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से जाना जाता था। फिर आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत था, माने छोटे में साहित्य की रचना इन्होंने नहीं किया था। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। नीचे कृतियां देखिएगा, कुछ संक्षिप्त में इसमें लिखा गया है, फिर भी हम पढ़ते हुए बताते हैं इसको। इतिहास में इन्होंने कौन कौन सा इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है निबंध संग्रह, उसमें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर, कल्पलता और आलोक पर्व। अगला है साहित्यिक शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीरदास, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उपन्यास में इन्होंने वाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चार चंद लेख और पुनर्नवा नामक उपन्यास की रचना इन्होंने किया। इस प्रकार ये आधुनिक युग के कुशल साहित्यकार, उपन्यासकार एवं आलोचक के रूप में विख्यात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य में देते हुए हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर गए। इस प्रकार इनका साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय संपन्न हुआ। गद्य खंड के अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अशोक के फूल। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया है। साथ ही साथ इन्होंने अपने बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की लोगों द्वारा उपेक्षा करने की ओर संकेत भी किया है। आइए पढ़ते हैं अशोक के फूल। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के
मनोहर अस्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीण में स्थान देने योग्य समझा। एक यह अशोक ही है। अब देखिए इसमें इसका भाव है, ये पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में अशोक का फूल और लेखक की चिंता, माने अशोक का फूल है क्या और लेखक क्यों इसको देख करके चिंतित है। इसमें है बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता, कंदर्प माने कामदेव ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीण में स्थान देने योग्य समझा। वे 5 पुष्प कौन कौन है? अरविंद, अरविंद माने कमल, आम्र आम, नीलोत्पल नीला कमल, नवमल्लिका और अशोक। ये 5 पुष्प को अपने तुरीण माने अपने बाणों में स्थान दिया। यह एक अशोक ही है, लेकिन दूसरे में क्या है कि लेखक अशोक के फूल को देखकर चिंतित हो जाता है। लेखक क्या कहता है देखिए, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा देते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान कर सकता हूँ, उसे बताता हूँ। अब क्या, क्यों इन लेखक का मन उदास हो जाता है, आइए इसमें देखते हैं। भारतीय संस्कृति में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। अब इसमें भारतीय संस्कृति में अशोक के पुष्प का क्या क्या स्थान है, तो इसमें पैराग्राफ देखिए, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारत में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। अने इसमें लेखक कालिदास के काव्यों में इसका वर्णन करता है कि कालिदास के काव्यों में अशोक का महत्व होता है और उसकी सौकुमारता, सौकुमारता माने कोमल अवस्था का वर्णन है इसमें। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता है। माने अशोक का पुष्प कालिदास के काव्यों में इस प्रकार प्रवेश करता है जैसे नववधु नए घर में पवित्रता, गरिमा और सुकुमारता से प्रवेश करती है। फिर एकाएक मुसलमानी संतलत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। जैसे ही मध्यकाल आया, मध्यकाल में जब मुसलमानी संतलत माने मुगल शासन हुआ, उसमें अशोक के पुष्प की प्रतिष्ठा कम होने लगी। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, अशोक को तो सम्मान कालिदास से ही मिला, वह अपूर्व था। माने कालिदास के काव्यों में अशोक के पुष्प का जो महत्व था वह अपूर्व था। किस प्रकार का वर्णन कालिदास ने अपने काव्यों में किया है? सुंदरिया के असिंचनकारी नुपुर वाले चरणों में मृत आघात से वह फूलता था। कालिदास के काव्यों में कि स्त्रियां जब नुपुर वाले चरणों को उस अशोक के नीचे जा करके जब बजाती थी तो उस आघात चोट से अशोक का पुष्प खिलता था, कोमल कपोलों और करणावंतक के रूप में झूलता था। माने कान के आभूषण के रूप में वह स्त्रियों की शोभा को बढ़ाता था, चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। नील अलक माने उनके सुंदर बाल की सुंदरता को गजरे के रूप में और बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। यह सब वर्णन किसका है? कालिदास के काव्यों में अशोक का वर्णन है कि जहाँ भी वर्णन किया गया है उस सुंदर भाव को, जैसे महादेव को सुंदरता से, कामदेव से क्षोभ मन दुख या घृणा है,
ये कहेंगे कि उनसे शत्रुता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, मनोज जन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता देवता के एक इशारे पर कंधे पर ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। उदाहरण, एक रंगमंच के अभिनेता जो अभिनय करता है, वह अभिनय करते हुए रंगमंच पर प्रवेश करता है और सबका मनोरंजन करने के बाद वह रंगमंच से नीचे उतर जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बातों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, मैंने कमल आज तक नहीं भूला। आम कहाँ छोड़ा गया, नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। नवमल्लिका का आशय अवश्य ही कुछ विशेष पूछ नहीं है, किंतु इसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं थी। भुलाया गया है तो अशोक, कभी क्या कहता है कि अशोक। इसका इस पाठ का मतलब है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का ज़्यादा महत्व होता है और धीरे धीरे परिवर्तन के साथ साथ उसके प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, उसका रूप बदल जाता है, उसका महत्व भी बदल जाता है। फिर लेखक कहता है कि मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में निरफूले है, निरफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। माने जिस वृक्ष पर फूल न हो ऐसे वृक्ष को अशोक कहा जाने लगा। बाद में याद भी किया तो अपमान करके, यदि उसे याद भी किया जाता है तो उसकी अपमान, क्योंकि बिना पुष्प वाले वृक्ष को अशोक कहा जाने लगा। अब आगे देखिए, ये पुष्पों के इतिहास के बारे में कुछ पुराणों के माध्यम से इसमें बताया गया है। लेखक कहता है, लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य शिल्प के में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। ईस्वी का जब आरंभ था, उस आरंभ में अशोक का इतना महत्व था कि यक्ष और गंधर्व एक तरह से देवताओं की श्रेणी में आते हैं, इसमें भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। पंडितों को शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। माने कुछ लोग, विद्वान लोग, गंधर्व और कंदर्प देवता माने कामदेव देवता को एक ही मानते हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इसे यह पता चलता है कि वह आर्य थे। इन आर्यतर जातियों का उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण थे, यक्षपत थे। कंदर्प काम देवता का नाम हो गया, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। उसी में से काम देवता माने कामदेव का नाम कंदर्प हो गया, और माना जाता है कि जो गंधर्व थे वह उसी का पर्यायवाची, उसी का दूसरा नाम है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार वह फिट चुके थे। आप कहानी जानते होंगे कि भगवान शंकर के हृदय में काम माने इच्छा का प्रवेश करने के लिए बार बार अपने फूलों के धनुष बाण से कंदर्प देवता अर्थात कामदेव उन पे प्रहार कर रहे थे। और जैसे ही उनका जब ध्यान भग्न हुआ तो उसके बाद उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर आगे देखिए, विष्णु से डरते थे, बुद्ध देव से टक्कर लेकर लौट गए आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। अने कई बार विफल होने के बाद भी वह बार बार प्रयास करते थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे।
अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया। यानी कहीं न कहीं वह उसमें जा करके प्रवेश कर उसमें कई भाग में उसका खंडन कर दिया। वज्रयान इसका सबूत और कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। माने हर जो दृढ़ सोच थी उसे तोड़ करके उसमें नए नए भाग का जन्म दिया और किसके कारण हुआ? कामदेव के कारण हुआ। आगे है इसमें रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि भारतवर्ष क्या है? महामानव समुद्र है, महामानवों का समुद्र है। माने यहाँ समय समय पर महान पुरुष जन्म लेते रहे हैं। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। आज जिस समाज का हम अंश हैं, जिस सभ्य समाज को हम जी रहे हैं, ऐसे सभ्य समाज को बनाने में ना जाने कितने जाति, कितने धर्म, माने कितनी संस्कृतियों का मेल है जो आज सभ्य समाज का निर्माण कर गया है। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पंछी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। और इसमें केवल मनुष्य नहीं, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष, पशु पंछी सब हमारे संस्कृतियों का अंश होते गए। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। उसी प्रकार अशोक की भी को भी एक परंपरा से जाना जाता है। आम की भी है, बगुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या अस्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर वाण फेंका था। जो पूर्वत हमने कहानी आपको बताई कि मनोजन्मा देवता अर्थात कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में काम का प्रवेश कराने के लिए वह धनुष बाण से प्रहार किए थे, तो क्रोधित होकर भगवान शंकर ने जब उन्हें भस्म कर दिया तो शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ और वामन पुराण की भी चर्चा की गई है, माने पुष्पों के इतिहास और वामन पुराण की भी चर्चा की गई है। तो और वामन पुराण अष्ट अध्याय कहाँ है सटीक चीज कि गवाही पर हमें मालूम होता है कि उसका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। रत्नों से बना हुआ जो धनुष था वह खंडित बने छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके वह धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसारी के पुष्पों मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्युम की बनी निरंतर निम्नतर कोट की बेला बन गई। स्वर को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। आगे है, स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। किसी चीज़ का महत्व कब होता है? जब उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ के महत्व को समझने के लिए लोग हों, अर्थात देवता का महत्व या स्वर्ग का महत्व तभी है जब पृथ्वी पर मनुष्य है। इसी प्रकार कामदेव का जो धनुष था वह जब टूट कर पृथ्वी पर गिरा तो अनेक प्रकार के पुष्पों में बदल गया। पैराग्राफ देखते हैं, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा था, या इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराण काल की सुकुमार कल्पना है या सचमुच से अशोक भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व
इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोमरस, जिसको मदिरा माने, देवताओं की मदिरा जो है, सोमरस उसे कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? मैंने एक समय था जब अशोक के फूल या जो कुछ किसी किसी वस्तुओं का वर्णन है वो बस उसी समय की देन है। जैसे इसमें बताया गया है कि सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था या गंधर्व सोमरस को बनाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि का यह विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी उन्हीं से मिले, ऐसा बात माना जाता है। आगे पैराग्राफ देखते हैं। कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृति हैं, तथापि पुराने साहित्य में अप देवता के रूप में भी मिलते हैं। माने यक्षों और गंधर्वों के देवता, जो अनेक प्रकार के नामों से बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसे स्वीकार किया गया है, फिर भी पुराने साहित्य में अप देवता माने दूसरे देवता के रूप में भी मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देव देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतान वर्धनी स्त्रियां वृक्षों के अप देवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता के जनक देवता माने जाते थे। कुबेर तो अक्षनित के अधीश्वर थे। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास आना अंकित है। यानी कहीं कहीं अभी भी स्मृति रूप में, ऐसा कहानी के रूप में जो चित्र बनाए गए हैं, ऐसा लगता है या बताया जाता है कि संतानार्थनी स्त्रियां, संतान को चाहने वाली स्त्रियां जो हैं, यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाया करती है। ऐसा माना जाता था कि उस वृक्ष में यक्ष रहते हैं और उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस वृक्षों के पास जाती हैं। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कट देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। जिन वृक्षों का वर्णन है उसमें सबसे अधिक रहस्य किसके लिए है? अशोक के लिए है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहन का संचार होता है, ऐसा उस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जब स्त्रियां अपने चरण, अपने पैर को उस अशोक के जड़ पर पटकती थीं, तो उसमें एक तरह से संचार होता था, वो कांप जाता था वृक्ष जो है। और परधर्मी धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत शुक्ला अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पक्षियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। ऐसी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि चैत के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को व्रत करने और अशोक के 8 पक्षियों का भक्षण बने उसे खाने से स्त्रियां जो हैं संतान कामना में फलवती होती है, अर्थात उसे पुत्र होता है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें अशोक का इतिहास है, ऐसा बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं को सिद्धप्रद समझकर व्यवहृत होता था, माने तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन लाल स्मारक वर्धक होता था, लाल पुष्प जो है स्मरण की वृद्धि करता था, याददाश्त तेज करता था। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुछ हंटिकान छन आकाश से दूर तक उड़ना चाहता, मैंने उस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता। हाय, पंख कहाँ है? मैंने बिना उसे देखे हम उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते हैं। आगे देखिए, यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों
का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। जो भी ग्रंथ लिखेगा तो अपने दृष्टिकोण से लिखेगा, अपने तरीके से लिखेगा, तो उसमें आर्यों की ही लिखी हुई साहित्य जब लेखक के पास है तो उसी की तरह उस किताब का तरीका है और उनके पक्ष में ही लिखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, उसमें लिखा है कि आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष बने, अनेक जातियों का युद्ध हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ। यानी कुछ तो आसानी से उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिए, लेकिन जो नहीं माने उनसे बहुत अधिक लड़ाई हुई। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनियों की जात मान ली गईं। माने जो संघर्ष करते हुए जीत गईं उसे देव योनि में रखा गया, उसे देवता मान लिया गया। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, असुर मान राक्षस। यह बड़ी गर्वीली जात थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, माने आर्यों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। फिर दानों, दैत्य और राक्षसों से संघर्ष हुआ, क्रमशः इन लोगों से संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, ये आसानी से उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिए, इसलिए इनको देवलोक पर रखा गया। वे शायद शांत प्रिय जातियाँ थीं, यक्ष और गंधर्व जो थे शांत प्रिय थे। भरूसाची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट होता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं, यानी गठीली छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं, इससे पता चलता है कि ये यक्ष और यक्षिणी जो थी पहाड़ी जाति के थे। हिमालय प्रदेश से ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का निवास भूमि है, माने अभी भी माना जाता है हिमालय प्रदेश में इन लोगों का निवास स्थान है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल पंडित पुआनुअल सोसाइटी कहते हैं। पुआनुअल सोसाइटी माने बस सिस्टमेटिक, बहुत तरीके से बसा हुआ एक सोसाइटी है जिसमें सब कुछ बड़े आसानी से मिल जाता है। माने एक प्लानिंग के तहत जो जिस सोसाइटी का गठन किया जाता है उसे पुनावल सोसाइटी कहते हैं। उस समय भी उनका जो समाज था आज के पुनावल सोसाइटी के समान है, शायद इसमें भी अधिक, इससे भी अधिक आदिम, माने इससे भी बहुत अधिक पूर्व। परंतु ये नाच गाने में कुशल थे, यक्षक्षणी कैसे थे, वो नाचने गाने में बहुत कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, नाच गान के कुशलता के साथ वह बहुत संपत्तिशाली थे, धनी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषिपूर्ण स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार और वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं, माने वह न कृषि कर सकते थे न व्यापार कर सकते थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते, संधान माने खोज, पृथ्वी में मणियों और रत्नों का खोज करते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास ही धनी हो जाते थे, यानी बिना बहुत अधिक बिना प्रयास किए, न तो कृषि करते थे न व्यापार करते थे, फिर भी वह मणियों और रत्नों के खोज से अचानक धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उसमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, जो अचानक जिसको धन मिल जाए तो उसे और पाने की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति विलासी हो जाता है क्योंकि बहुत आसानी से उसे बहुत कुछ मिलता जाता है। इसी प्रकार उसे विलासिता की मात्रा उनमें अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु अधिक आर्थिक स्थिति दोनों में थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिब बनना पड़ा, यह मनोरंजक कथा है। माने इंद्र से भी इनका युद्ध हुआ और इसकी कहानी मनोरंजक है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोग को अनेक जातियों से निपटना पड़ा। मूल बात क्या है कि आर्यों को अपनी सभ्यता का निर्माण करने के लिए बहुत सारी जातियों से लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, परवर्ती साहित्य में उसका स्मरण घृणा के साथ किया गया। अब देखिए पूर्वत क्या लिखा गया है,
दृष्टिकोण के क्या है कि जो ग्रंथ है, जो लेखक के पास साक्ष्य है, वो आर्यों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए उनके दृष्टिकोण से इसमें कथा बताई जा रही है कि जो आर्यों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया उसे किस श्रेणी में रखा गया, उसे राक्षस की श्रेणी में रखा गया, असुर की श्रेणी में रखा गया। जो जातियां गर्वीली थी, जो उनकी बात को नहीं मानती थी, उसे माने असमण घृणा के साथ लेता गया, घृणा माने उसके साथ लोग घृणा कर रहे हैं, ऐसा ऐसी चरित्र प्रस्तुत की गई। जो सहज ही मित्र बन गए, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा के भाव नहीं रहा, तो आसानी से उनके अधीनता को स्वीकार कर लिए, उनसे संघर्ष नहीं किए, उनकी अवज्ञा नहीं हुई, उनकी उपेक्षा नहीं हुई। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी में माने वह गर्वेली जातियों में थे, वह हार नहीं माने, तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। आगे देखेंगे, अशोक की पूजा इन्हीं गंधर्वों की देन है। अशोक की पूजा किसके कारण होता है? गंधर्व देवता के कारण होता है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। उस साहित्यों में यानी अशोक के वृक्षों की पूजा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्व देवता की होती थी, माने अशोक पर अधिकार रखने वाले कंदर्व देवता अर्थात कामदेव की पूजा होती थी। इसे मदनोत्सव कहते हैं, माने उनके नाम पे उसका उत्सव भी पड़ गया, मदन माने कामदेव, माने कामदेव का उत्सव कहा जाता है। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है, उनकी रचना है, भोज की रचना सरस्वती कंठाभरण संस्कृत में है, उसे जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्नि मित्रम रत्नावली जो कालिदास द्वारा रचित है, इस उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल लाल अस्तक होता है माने गुच्छे को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनूपुर चरणों से के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी, कभी कभी रानियां स्वयं ये कार्य करती थी और कभी कभी अपने स्थान पर किसी सुंदर स्त्री को नियुक्त कर देती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लों का कोमलतर गुच्छा आया, अस्तलक से रंजित नुपुर में चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आघात हुआ, नीचे हल्की सी झुनझुन और ऊपर लाल लाल पुष्पों का उल्लास। ऐसा कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जब सुंदर स्त्रियां, रानियां या उनके स्थान पे जो नियुक्त की गई थी ऐसी स्त्रियां, जब अपने कोमल हाथों से अशोक के कोमल पत्तों को का स्मरण करती माने स्पर्श करती हैं, उसे छूती हैं, और जैसे ही उस पत्तियों को छूती हैं और नीचे रंजित नुपुर में अक्तलक माने आलते से माने लाल रंगों से रंगा हुआ नुपुर में माने पायलों से युक्त चरणों से धीरे से अशोक के जड़ पर आघात माने चोट करती थी, तो जैसे ही वह आहत हुआ माने चोटिल हुआ घायल हुआ नीचे हल्की सी रुंझन, जैसे ही उनके पायल के गुरु की आवाज़ आती थी वैसे ऊपर ऊपर लाल पुष्पों का उल्लास, त्यों ही ऊपर अशोक के वृक्ष पर लाल पुष्प खिल जाते थे। किसलयाम और कुसुम अस्तकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन, पुष्प संभार से पहले कंदर्व देवता की पूजा करती थी, बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी, और ऐसे खिले हुए अशोक के वृक्ष के नीचे अपने प्रिय माने अपने पति को बैठाती थी और पहले अनेक प्रकार के साधनों से कामदेव की पूजा करती थी, उसके बाद वही बचा हुआ पुष्प अबीर चंदन अपने पति के चरणों में अर्पित कर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के अस्तकों में यह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है।
अगर उस भाव से देखा जाए तो आज भी वह मादकता है, लेकिन इसका महत्व नहीं, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। इन पुष्पों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल से लहरा रहा है, जिसे भारतवर्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह उस समय इस पुष्प का बहुत महत्व था, कोई इसे पढ़कर देखे, समझकर देखे, ऐसा लगता है उस समय यह लहरा रहा है। पैराग्राफ देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ये तो सब लोग जानते हैं कि जिस समय जिसकी बहुत आवश्यकता होती है उसी का महत्व उसके जीवन में होता है, बाकी सब चीज़ भुला दिया जाता है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, शायद उसके जीवन में अशोक का ज़्यादा स्थान नहीं हुआ या उससे स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती है? क्योंकि पूर्वत कहा जा चुका है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल वही चीज याद रखती है जो उसके जीवन में उपयोगी है। आगे है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। संसार किससे बना हुआ है? स्वार्थ से बना हुआ है। एक दूसरे से लोग कैसे जुड़ते हैं? स्वार्थ से जुड़ते हैं। इसलिए इसमें कवि ने, लेखक ने कहा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। आगे पैराग्राफ देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। माने जितना भी सुंदर हो, रहस्यमय हो, मन को हरने वाला हो, फिर भी इसे माना जाता है कि विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। माने अशोक में उसकी रुचि थी, उसका स्वार्थ था, इसलिए अशोक का इतना महत्व था, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। सामंत सभ्यता कैसी थी कि वह केवल ऐसो आराम में अपने जीवन व्यतीत करती थी और साधारण प्रजा के परिश्रमों पर वह पलती थी। उनके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। साधारण लोगों के रक्त के कणों को खाकर, मैंने परिश्रम वो करते थे और ऐशो आराम सामंत लोग करते थे, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्धि हुई। मैंने बहुत सारे लोगों की उपेक्षा से वह धन समृद्धि, मैंने धन की वृद्धि हुई। वे सामंत उखड़ गए, मैंने सामंत भी समाप्त हो गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। जब लोग खाली रहते हैं तो अनेक प्रकार के उत्सव को मनाते हैं, लेकिन जब वो परंपरा बन जाता है तो बाद में निभाना मजबूरी हो जाती है, लेकिन मन नहीं रहता, धीरे धीरे वो सब समाप्त होता जाता है। संतान कामिनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। अब देखिए कि जो संतान कामिनी स्त्रियां थीं, पहले केवल गंधर्व देवता के पास ही जाती थीं, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो उससे भी अधिक शक्तिशाली देवताओं के वरदान मिलने लगे। कौन कौन देवता थे? पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्ष की इज्जत घटा दी। माने उससे अधिक तांत्रिक और पैदा हो गए और उनकी इज्जत थोड़ा कम होने लगा। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। सब इधर उधर चले गए लेकिन अशोक कहाँ रह गया? वह पीछे छूट गया। आगे देखिए, मुझे मानव जात के दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देता है। लेखक क्या कहता है कि मानव जात का दुर्दम और निर्मम धारा, जो मोह रही धारा है, निरंतर चलता रहता है। बहुत कुछ पतन हो जाता है, बहुत कुछ उत्थान होता है, नए सिस्टम आते हैं, नई चीज़ें बनती हैं, लेकिन कुछ रुकता नहीं है। तो लेखक कहता है कि इतिहास से लेकर, कई वर्षों का इतिहास लेकर आज तक, इसका रूप साफ दिखाई देता है। मनुष्य की जीवनी शक्ति इतनी निर्मम है कि वह सभ्यता और संस्कृत के वृक्षों वृथा मोहों को रौंदती चली जाती है। जीवनी सत्य में जी जी विषा जिसे कहते हैं, जीने की इच्छा इतनी निर्मम है, मैंने किसी के लिए रोकती नहीं है, किसी के मोह में पड़ती नहीं है। वो अनेक प्रकार की सभ्यता संस्कृतियों के वृथा मोहों, मैंने विकार के मोहों को रौंदती हुई चली आ रही है। मैंने जीवन ही सत्य है, जीवन की जीने की इच्छा ही सत्य है। इस प्रकार के जो भी नियम परंपराओं से तोड़ते हुए केवल जी जी विषा जीने की इच्छा को लेकर लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
न जाने कितने धर्माचरों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। ने बहुत सारे नियमों को छोड़ते हुए जीवन धारा आगे बढ़ गई है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, ऐसा कहा जाता है। जो जितना संघर्ष करता है, परिश्रम करता है, नए नए रास्ते उसके लिए खुलते रहते हैं। इसलिए संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने आज का समाज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, आज का जो सभ्य समाज है ना मालूम इसमें कितने क्या चीज़ ग्रहण किया गया और क्या छोड़ दिया गया, इस सब का प्रतीक है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृत केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। जो भी नियम है, परंपरा है, तरीका है, संस्कृति है, कोई वास्तविक नहीं, सब में मिलावट है, सब अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा है। शुद्ध क्या है? केवल मनुष्य के जीने की इच्छा है, वही सत्य है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। जैसे गंगा में जब बाढ़ आती है तो उसमें बहुत सारे लोग बह जाते हैं, बहुत कुछ समाप्त हो जाता है, बहुत तबाही हो जाती है। फिर भी इतना तबाह करने के बाद अगर किसी को कोई मार देता है तो पापी, हत्यारा या जो भी संज्ञा होता है उसे दिया जाता है, लेकिन गंगा को उसके बाद भी पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की जिजीविषा, जीने की इच्छा है, उसे भले किसी के को कष्ट पहुँचा करके जीने की इच्छा पूर्ण हो, फिर भी उसे पवित्र माना जाता है गंगा की जलधारा के समान। आगे देखिए, सभ्यता और संस्कृत का मोह क्षण भर बाधा उत्पन्न करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा से में सब कुछ बह जाते हैं। मैं सभ्यता और संस्कृत का मोह कुछ लोगों को कुछ देर तक बांधे रहता है। धर्माचार व धर्म का आचरण और संस्कार थोड़ी देर तक भले ही से टक्कर लेता रहे, लेकिन इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। शीघ्र ही, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बहुत अधिक दिन बाद नहीं, कुछ ही दिन बाद सब समाप्त हो जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना ही अंग बन जाता है। जीने की इच्छा को, जीवनी शक्ति को जो समर्थ बनाता है, जो उस स्वार्थ सदता है जिससे, वही उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। बाकी नियम, परंपरा, लोग भी उसके जीवन से चले जाते हैं। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मनोदेवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्वकृत अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुनृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। माने आज जो हुआ है आगे भी हो जाएगा, जिसको धर्माचरण सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, जो हमारी बुद्धि जड़ बनी हुई है, वो आगे चल करके कितना समाप्त हो जाएगा वह हम भी नहीं जानते। कौन जानता है? मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। मनुष्य की सब कुछ समाप्त होने के बाद भी मनुष्य की जीवन धारा मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आगे देखिएगा, आज अशोक के पुष्प अस्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। कल ना जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खींच उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितने जिएंगे और कितने बह जाएंगे, कितने बचेंगे और कितने बह जाएंगे, कौन जानता है? मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं, पृथ्वी पर आने के बाद जो भी मिल जाता है उससे मोह हो जाता है, वह मोह जल्दी समाप्त नहीं होता, और उससे जब बिछोव होता है, जो दूरी बढ़ती है, तो अपने आप मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं।
माने साहित्य और शिल्प मन को कचोट मन में कचोट रहे हैं, मन में अनेक तरह के भाव को पैदा कर रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किसले भी हृदय को कुदेर रहे हैं, माने अशोक के फूल ही नहीं किसले माने नए पत्ते जो हैं वो भी हृदय को मानो हृदय में कचोट रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने शिल्प मन को कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया है। कालिदास जो कल्पना के कवि हैं केवल उसके पुष्प को ही नहीं बल्कि उसके नए पत्तों को भी मदमस्त करने वाला बताया है। अवश्य ही शर्त यह है कि दयिता प्रिया के कानों में झूम रहा हो, माने कब सुंदर हो जाता है जब प्रिया माने सुंदरी के कानों में झूम रहा हो, इसी को संस्कृत में यहाँ बताया गया है। किसले प्रवस्तो अपि विलासिता मदयिता दयिता श्रवणा पितः, जो किसले माने नए पत्ते हैं मदयिता दयिता दयिता माने विलासिता मदयिता दयिता श्रवणालिप्ता प्रवसो अपि नए जन्मे हुए पत्ते नए कपोल जब प्रिया के कानों में पड़ते हैं तो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। आगे देखिए, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है, नए शाखाओं से झुके हुए वायु से हिलता हुआ जो किसले है नए पत्ते हैं उसमें भी मादकता है। मेरी नस नस में आज जो करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है मैं सचमुच उदास हूँ। उस कालिदास के काव्यों और उसके महत्व को देख करके अशोक के महत्व को देख करके जब आज से कवि लेखक तुलना करता है तो उसका मन सचमुच उदास हो जाता है। आगे पैराग्राफ देखते हैं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया है वह लुप्त हो गई। कहते हैं आज जिसे बहुमूल्य संस्कृति सभ्यता मान रहे हैं वह ऐसा ही नहीं बना रहेगा। बहुत कुछ परंपरा था, बहुत ऊंचे ऊंचे विचार थे, मोहक और मादक रूप थे, वह सब समाप्त हो गए। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग को इतना महान महार्ष समझा था वह मध्ययुग तक मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। नहीं, आगे देखिए, इसमें लुप्त हो गया। मध्ययुग में के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस रास उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। मध्यकाल का जो मुसलमानी संतलत था, मुगल काल था, वो भी समाप्त हो गया। क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? मतलब जैसे सब समाप्त हुआ आज का युग भी कल इतिहास होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसकेगी। माना जाता है महाकाल माने भगवान शंकर के तांडव रूप जो होता है, विकराल रूप होता है, उसके पदाघात से धरती धसकेगी माने खिसकती है और प्रलय होता है। उनके कुंठ नृत्य के प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। माने कुंठ नृत्य जो होगी प्रत्येक चारिका माने प्रत्येक चरण के आघात से कुछ न कुछ पृथ्वी से समाप्त होता रहेगा। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। माने सब कुछ बदलेगा, सब में विकार उत्पन्न होगा और कुछ नया विकास होगा। आगे देखिएगा, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। भगवान बुद्ध और मार विजय मैंने कामदेव से जो युद्ध हुआ था उसमें वैरागियों की पलटन खड़ी थी। मैंने वो दृढ़ सोच में खड़े थे कि हमारे अंदर कामदेव या इच्छाओं की इच्छा या काम प्रवेश नहीं कर सकता। असल में मार मदन का ही नामांतर है। मैंने बुद्ध देव के समय भी मदन मैंने कामदेव थे, उनका रामांतर मैंने उनकी पर्यायवाची है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों और वज्रपाण नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदर देवता ने आसन पाया, वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी
साधन तत्परणानाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित होगी। माने योग और भोग दोनों साथ में करने की महिमा की प्रतिष्ठा हुई। जैसे सब बदल गया वो भी बदल गया। काव्य और शिल्प के मोहक और अशोक के अविचार में सहायता दी। मैं अचरज से उन योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति की दुर्दम अभियान है। मैं जीवन जिजीविषा जो है उसमें भी अनेक प्रकार के नियम हैं। ये भी एक बहुत कठिन अभियान है जिसमें योग और भोग दोनों साथ में चलता है। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्ममत की सृष्टि हुई। यानी बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हुई, बहुत सारी वस्तुएं नष्ट हुई, बहुत सारे लोग समाप्त हुए, परंपराएं समाप्त हुई और एक अपूर्व धर्ममत का सृष्टि हुआ बहुत सारे त्याग करने के बाद। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणित परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्फ है ये। माने वह यथावत पहले पूर्व की भांति खिला है, भले ही उसके महत्व को लोग नहीं जानते। आगे देखिए, मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है, भले ही हम उसके बारे में लोग अपने माध्यम से, अपने तर्क से या अपने दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा करें, फिर भी वह अपने मौज में है। जिसे आज से 2000 वर्ष पहले जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, कभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, माने लोगों की मनोवृत्ति, सोच का तरीका, सबका दृष्टिकोण बदला है। वह अशोक का वृक्ष या पुष्प नहीं बदला। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। मनुष्य की मनोवृत्ति जो है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, यदि बदले बिना आगे बढ़ती शायद उसमें भी कोई नवीनता, कोई बदलाव नहीं होता। और यदि न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का साविक धावन चल निकलता, तो बहुत बुरा होता। यदि वह नहीं बदलता तो संघर्ष जो आज के वर्तमान समय में है पहले ही शुरू हो जाता। फिर आगे, हम पिस जाते, अच्छा हुआ जो वह बदल गई। यदि पुरानी परंपराओं में लोग रहते, आज की दुनिया के साथ नहीं चलते, तो भी कहीं गुजारा नहीं होता। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास हो जाता है। जो पुराने समय में इसके महत्व को देखा है, आज महत्वहीन देख रहा है, तो उदास हो जाता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। जो अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, बुद्धिमान समझता है, वह भी एक बोझ है। जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। मैंने वह अपने आगे कुछ नहीं समझता और इस प्रकार शीघ्र ही उसका पतन हो जाता है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है और साधारण होकर के कई लोगों के मेल मिलाप से या अपने आप को विनम्र करके लोगों से मिलता है तो उसका जीवन लंबा होता है। तब वह बोझ नहीं रहता, तो उसका विचार बोझ नहीं होता। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रह करती। कहाँ, अशोक का तो कुछ नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदस इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी रस ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। लेखक क्या कहते हैं अंत में, शुरू शुरू में उदास होता है, सब पुराणों इतिहासों की समीक्षा करते हुए जब आगे बढ़ता है तो अंत में क्या होता है, प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील ही इस प्रकृति का नियम, परिवर्तनशीलता ही प्रकृति का नियम है। जो कल बहुत महत्वपूर्ण था आज हो सकता है उसका महत्व कम हो या बिल्कुल ना ही हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, समय हो। इसलिए अंत में लेखक क्या कहता है, इसका इस पर उदास होना बेकार है। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।